नेबुला मैच के इस वीडियो में हम लोग करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में करड़ी का चैप्टर घातांक के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। करड़ी को समझने से पहले किसी संख्या का एनवा मूल समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोग घातांक के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ए की घात एन का मतलब होता है ए गुणे ए गुणे ए एन बार, जहां एन एक धनात्मक पूर्णांक है। ए की घात एन में ए को आधार और एन को घातांक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दो की घात दो का मतलब दो गुणे दो, दो का आपस में दो बार गुणा करना है और उत्तर आएगा चार। जब किसी संख्या पे दो घात लगाते हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं। एक दो घात को एक स्पेशल नाम वर्ग दे दिया गया है। इसी तरह तीन बटे पांच का दो घात यानी तीन बटे पांच के वर्ग का मतलब है तीन बटे पांच गुणे तीन बटे पांच और उत्तर आया है नौ बटे पच्चीस। और इसी तरह तीन की घात दो यानी तीन के वर्ग का मतलब है नौ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीन की घात तीन यानी तीन गुणे तीन गुणे तीन, उत्तर आया सत्ताईस। यहां भी हम जानते हैं कि जब घात तीन लगा होता है तो उसे एक स्पेशल नाम घन बोलते हैं, यानी तीन का घन या क्यूब सत्ताईस होता है। दो घात को वर्ग और तीन घात को घन बोलते हैं। यदि घातांक को आगे बढ़ाएं तो तीन की घात चार का मतलब होगा इक्यासी, तीन की घात पांच का मतलब होगा कि तीन को आपस में पांच बार गुणा करना है और उत्तर आएगा 243। यानी किसी भी नंबर पे चाहे कितना भी घातांक लगा हो, मान लेते हैं कि तीन की घात पचास, इसका मतलब है कि तीन को पचास बार आपस में गुणा करना है और इसका गुणा करने पे कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं कि वो नंबर है बी। जैसा कि अभी हमने देखा कि दो का वर्ग चार होता है, यदि हम इसका उल्टा प्रोसेस करें तो चार का वर्गमूल दो हुआ, दो का वर्ग चार और चार का वर्गमूल दो। हम ये भी जानते हैं कि चार का वर्गमूल दो के साथ साथ माइनस दो भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल धनात्मक संख्याओं को ही लेंगे। यहां देख रहे हैं कि दो को आपस में दो बार गुणा करने पे चार प्राप्त होता है, इसलिए वर्गमूल को दूसरा मूल या द्वितीय मूल भी कहते हैं। और पहले से हम जानते हैं कि वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए एक खास तरह के सिंबल इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, यानी चार का वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए हम ऐसे लिख देंगे। यहां यह ध्यान रखना है कि जब इस तरह के सिंबल का हम प्रयोग करते हैं तो धनात्मक मूल ही लेते हैं। इसी तरह 9 बटे 25 के वर्गमूल को दिखाने के लिए हम इस तरह से 9 बटे 25 को इस निशान के अंदर लिख देंगे और उत्तर आ जाएगा 3 बटे 5 ये वाली लाइन। इसी तरह यह दिखाने के लिए कि 9 का वर्गमूल 3 होगा हम इस तरह से लिखेंगे ये। इस लाइन को देखें तो 3 का घन 27 है तो 27 का घनमूल 3 होगा, और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम इस निशान के अंदर 27 लिखेंगे, लेकिन घनमूल निकालने के लिए इस नोक के बीच में हमें 3 लिखना पड़ेगा और उत्तर आएगा 3। जब घनमूल निकालना होगा तो इस कोने के ऊपर छोटा सा 3 लिखना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए भी हम चाहें तो यहां 2 लिख सकते हैं, यदि 9 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वर्गमूल निकालने के लिए यहां 2 लिखें 9 लिखें कोई बात नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाते हैं कि वर्गमूल ही निकालना है। लेकिन यदि घनमूल या कोई अन्य मूल निकालना होगा तो यहां पे नंबर
लिखना पड़ेगा। जिस तरह से किसी संख्या के दूसरे मूल को वर्गमूल बोला गया था, उसी तरह तीसरे मूल को घनमूल बोलते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से देखते हैं। 3 की घात 4 = 81 था, तो 81 का चौथा मूल 3 होगा। और इसे लिखने के लिए हम इस तरह का निशान बनाएंगे, यहाँ निशान के अंदर 81 लिखेंगे, और चूंकि चौथा मूल निकालना है इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, इसका भी उत्तर आएगा 3। 87 का घनमूल 3 था और 81 का चौथा मूल 3 है। इसी क्रम में यदि लास्ट वाली लाइन को हम देखें तो बी का 50वां मूल लिखने के लिए निशान के अंदर बी लिखेंगे, यहां 50 लिखेंगे और उत्तर आएगा 3। अब हम सीधे ऊपर वाली लाइन पे आते हैं। ए की घात एन बराबर एक्स, तो एक्स का एनवा मूल हुआ ए, और इसे हम लिखेंगे, ये निशान बनाएंगे, एक्स लिखेंगे, यहां एन लिखेंगे बराबर ए। और इसे प्रदर्शित करने का एक और तरीका है कि इसे हम लिख सकते हैं एक्स की घात 1/n। इस आधार पे 4 के वर्गमूल को हम 4 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। 27 के घनमूल को 27 की घात 1/3, 81 के चौथे मूल को 81 की घात 1/4, इस 4 को 1/4 कर दिया जा रहा है। अभी तक के इन सारे उदाहरणों में हमने देखा है कि ये जो भी मूल आ रहे हैं ये सभी मूल परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल, घनमूल या एनवा मूल ठीक ठीक आ ही जाए, यानी वो परिमेय संख्या ही आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे 2 का वर्गमूल हमें निकालना हो तो ऐसी कोई संख्या हमें ठीक ठीक नहीं मिलेगी जिनका आपस में 2 बार गुणा करने पे 2 आ जाए। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, 3 का वर्गमूल, 11 का घनमूल, इन सभी के उत्तर ठीक ठीक यानी परिमेय संख्याएं नहीं आएंगी। और हम जानते हैं कि इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को ही हम करणी कहते हैं। आइए अब करणी को विस्तार से समझते हैं। करणी की परिभाषा बोर्ड पे लिख दी गई है। यदि x कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात x का nवां ठीक मूल ज्ञात करना संभव न हो, तो अपरिमेय संख्या इसे जो x का धनात्मक nवां मूल है करणी कहलाता है। अभी आपको बताया गया है कि x के धनात्मक nवें मूल को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहां ध्यान देना है कि एक संख्या करणी तभी कहलाएगी जब, पहली शर्त है कि इस निशान के अंदर जो नंबर x दिया गया है वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन यह है कि इसे जब हम पूरा पूरा हल करके nवां मूल निकालेंगे वह एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन एक साथ लागू होने चाहिए, तभी ये दी गई संख्या करणी कहलाएगी। आगे देखिए, यदि कोई संख्या करणी है तो इसमें ये जो निशान है उसे करणी चिन्ह बोला जाता है, और यहाँ कोने में जो नंबर लिखा गया है n, इसे करणी की घात बोला जाता है। और इस निशान के अंदर जो संख्या x लिखी गई है उसे करणीगत कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि इस नंबर को हम x की घात 1/n के रूप में भी
लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए इस नंबर में हमें पता करना है कि करणी की घात कितनी है और करणीगत कितना है। तो पहले तो ये देखना होगा कि ये करणी है या नहीं है। इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। इस निशान के अंदर 11 लिखा गया है, यह एक धनात्मक परिमेय है, पहली कंडीशन लागू हो गई। और दूसरी कंडीशन, हमें 11 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं मिल सकता, यानी 11 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरी कंडीशन भी लागू हो गई, अर्थात ये नंबर एक करणी है। करणी की घात कितनी होगी? और चूंकि यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो जैसा कि हम जानते हैं इसे हम दो समझते हैं, तो करणी की घात हुई 2 और करणीगत हुआ 11। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे 49 लिखा हुआ है। पहला काम ये चेक करना कि ये करणी है कि नहीं। 49 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, पहली कंडीशन तो लागू हो गई, लेकिन 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है, अर्थात दूसरी कंडीशन लागू नहीं हुई, इसलिए ये नंबर करणी नहीं है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, ये ऐसे है, यहाँ 3 लिखा है। पहली कंडीशन लागू हो जाएगी क्योंकि 8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ 3 लिखा है, यानी 8 का घनमूल निकालना है, तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे 2, जो एक परिमेय संख्या आ गई, इसलिए ये नंबर भी करणी नहीं है। अब चौथे उदाहरण को देखा जाए तो इस निशान के अंदर जो ये नंबर लिखा गया है वह एक पहले ही अपरिमेय संख्या है, यानी करणी होने की पहली ही शर्त फेल हो गई, इसलिए ये नंबर भी करणी नहीं है। पांचवें उदाहरण को अगर हम देखें तो 214 का चौथा मूल निकालना है। 214 धनात्मक परिमेय है और इसका चौथा मूल एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये नंबर एक करणी है जिसकी घात 4 और करणीगत 214 है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि यदि कोई करणी इस तरह से दी गई है और उसके बगल में किसी नंबर m से गुणा हो, तो n को तो करणी की घात बोलेंगे और m को करणी का गुणांक बोलेंगे। जैसे इस उदाहरण में कोने पे 3 लिखा हुआ है, ये करणी की घात हुई, लेकिन इस पूरी करणी में 5 का गुणा है, इसलिए 5 इस करणी का गुणांक कहलाएगा। आगे हम लोग शुद्ध करणी और मिश्रित करणी समझेंगे। शुद्ध करणी की परिभाषा है कि जिस करणी में एक परिमेय गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 1 अपरिमेय संख्या हो, उसे शुद्ध करणी कहते हैं। जैसे इन दोनों उदाहरणों को अगर ध्यान से देखें तो एक गुणनखंड तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनके साथ 1 का ही केवल गुणा है, 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से गुणा नहीं है। जबकि मिश्रित करणी में एक परिमेय गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा परिमेय संख्या होगा और दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इन दोनों उदाहरणों में इस अपरिमेय संख्या के साथ क्रमशः परिमेय संख्याओं 3 और 4 का गुणा है, इसलिए ये मिश्रित करणी हैं। अगला टॉपिक है सजातीय करणियाँ। 2 या 2 से अधिक ऐसी करणियाँ जिनके अपरिमेय गुणनखंड 1 समान हो, सजातीय करणियाँ कहलाती हैं। उनके गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 2 करणी में 5 और 5 करणी में 5। यहाँ दोनों के ही अपरिमेय गुणनखंड
एक समान हैं, यद्यपि इनके गुणांक अलग अलग हैं। यहाँ पर गुणांक दो है और यहाँ पर गुणांक पाँच हैं। ये दोनों ही करणियाँ सजातीय हैं। इसी तरह दूसरे उदाहरण में भी दोनों करणियाँ सजातीय हैं, क्योंकि इनके अपरिमेय गुणनखंड एक जैसे हैं। यहीं पर हम लोग करणियों के जोड़ और घटाना को समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक करणियाँ तभी जुड़ती हैं जबकि वे सजातीय हों, अर्थात दो करणियों का जोड़ या घटाना तभी संभव है जबकि उनकी करणीगत अर्थात इस निशान के अंदर वाले नंबर और उन करणियों के घात दोनों ही बराबर हों। आपको याद होगा कि बीजगणित में भी सजातीय पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। उसी तरह की स्थिति यहाँ भी है। यदि पहले उदाहरण के दोनों करणियों को जोड़ना हो तो सीधे सीधे हम जोड़ देंगे पाँच और दो सात, करणी में पाँच। इसी तरह यदि दूसरे वाले उदाहरण के करणियों को आपस में घटाना हो तो उत्तर आ जाएगा सात, एक करणी में तेरह और यहाँ घात तीन। करणियों के जोड़ और घटाना पर एक और सवाल है। सवाल को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तीनों नंबर सजातीय हैं, यद्यपि तीनों के घात दो हैं। चूंकि तीनों के घात दो हैं इसलिए हमें इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल कर देखते हैं, क्या पता ये सजातीय में बदल जाए। वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का सहारा लेंगे। मैंने 50 का गुणनखंड यहाँ पे किया है, बाकी दोनों का गुणनखंड आप स्वयं कर लीजिएगा। वर्गमूल निकालने के लिए इस निशान के अंदर के नंबर का हम जोड़ा बनाते हैं, जितने का जोड़ा बन जाए ठीक है। यहाँ पर 5 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का बन गया और 3 का भी बन गया और इस वाले में 7 का जोड़ा बन गया। जो छूट गया उसे रहने देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन नंबर्स का जोड़ा बन जाता है वो इस निशान से बाहर आ जाता है। यहाँ से 1, 5 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए ये करणी के निशान के अंदर ही छूट जाएगा। प्लस इस वाले करणी में 2 का जोड़ा बना है और 1, 3 का भी जोड़ा बना है। 1, 2 छूट गया माइनस, इसी तरह 7 बाहर आएगा और 1, 2 छूट गया। अगली लाइन में 5 करणी में 2 प्लस 6 करणी में 2 माइनस 7 करणी में 2। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों ही करणियाँ सजातीय में बदल गईं, इसलिए इन्हें आराम से हम जोड़ घटा सकते हैं। 6, 5, 11 करणी में 2 माइनस 7 करणी में 2। 11 करणी में 2 में से 7 करणी में 2 घटेगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 करणी में 2। बहुत ही आसान है। अब हम लोग करणी के नियम पढ़ेंगे। करणी के मुख्य रूप से 6 नियम हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। पहला नियम आपको शुरू में ही बताया गया है कि किसी करणी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरा नियम पहले नियम का इस्तेमाल करके ही लाया गया है। तीसरा नियम दो करणियों के गुणा का नियम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चौथा नियम करणियों के भाग का नियम है। वीडियो के शुरू में ही बताया गया था कि करणी का चैप्टर घातांक के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ये सारे नियम घातांक वाले नियम से ही आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि घातांक के चैप्टर में दो तरह के नियम काम करते हैं। पहले तरह का नियम है
कि दिए गए घातों के आधार सेम हैं और घातांक अलग अलग होते हैं, और दूसरे प्रकार का नियम होता है जब आधार अलग अलग होते हैं और घातांक एक जैसे होते हैं। उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके इनको लाया गया है। इन नियमों पर आधारित सवालों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।